तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रेजीट्रॉनिक्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि आर्डिनो में PWM का क्या इंपॉर्टेंस है और PWM की हेल्प से आर्डिनो से किस तरह से एनालॉग आउटपुट लिया जाता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको PWM का बेसिक्स नहीं पता तो आप आई बटन पर क्लिक करके मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने PWM का बेसिक्स कवर किया हूँ। अगर आपको PWM का बेसिक समझ में आ गया तो आपको इस वीडियो को समझने में बहुत आसानी होगी। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आर्डिनो में PWM का यूज़ क्यों किया जाता है और आर्डिनो से एनालॉग आउटपुट लेने के लिए PWM की दो मेथड को हम देखने वाले हैं, बिट बैंकिंग पल्स बिट मॉड्यूलेशन और नॉर्मल मेथड। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आर्डिनो में PWM का यूज़ क्यों किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको आर्डिनो के पिन डिस्क्रिप्शन वाले वीडियो में बताया था कि हम आर्डिनो की डिजिटल पिन में डिजिटल इनपुट दे सकते हैं और हम इससे डिजिटल आउटपुट ले सकते हैं, लेकिन आर्डिनो की एनालॉग पिन में हम सिर्फ एनालॉग इनपुट दे सकते हैं और इससे हम एनालॉग आउटपुट नहीं ले सकते। तो आर्डिनो से एनालॉग आउटपुट लेने के लिए हम PWM मेथड का यूज़ करते हैं और इस मेथड में हम डिजिटल पिन से एनालॉग आउटपुट लेते हैं। और आर्डिनो से एनालॉग आउटपुट लेने के लिए PWM की बहुत सारी मेथड है और उसमें से हम दो मेथड को इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहला बिट बैंकिंग पल्स बिट मॉड्यूलेशन और सेकंड नॉर्मल पल्स विट मॉड्यूलेशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं बिट बैंकिंग पल्स विट मॉड्यूलेशन। इस मेथड की सबसे खास बात यह है कि इस मेथड की हेल्प से हम आर्डिनो की सभी डिजिटल पिन से एनालॉग आउटपुट ले सकते हैं। और ये किस तरह से किया जाता है, इसके लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे। मान लीजिए कि मुझे आर्डिनो की पिन नंबर 13 से 0 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट के बीच का कोई एनालॉग आउटपुट चाहिए। तो इसके लिए मैं वॉइड लूप में लिखूंगा डिजिटल राइट 13 हाई डिले 250, डिजिटल राइट 13 लो डिले 1000 माइनस 250। यहाँ पर अगर आप देखेंगे लास्ट वाली लाइन में मैंने डिले 1000 माइनस 250 लिखा हो। यहाँ पर जो 1000 है ये हो गया इसका पीरियड 1000 मिली सेकेंड का, और जो सेकेंड लाइन में मैंने डिले 250 मिली सेकेंड लिखा हूँ, इसके वजह से इसका ड्यूटी साइकिल हो जाएगा 25%। और जब मैं इसका इफेक्टिव वोल्टेज कैलकुलेट करूँगा तो मुझे मिलेगा 1.25 वोल्ट। तो इस तरह से मुझे आर्डिनो की पिन नंबर 13 से 1.25 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा। तो इस तरह से बिट बैंकिंग पल्स विट मॉड्यूलेशन काम करता है। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो इसको लिखने में हमें बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस लिखना पड़ता है, जिसके वजह से प्रोग्राम बड़ा हो जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए एक और मेथड का यूज़ किया जाता है, जो कि है नॉर्मल PWM मेथड। और इस मेथड में हम आर्डिनो की डिजिटल पिन 3, 5, 6, 9, 10 और 11 से एनालॉग आउटपुट लेते हैं PWM मेथड की हेल्प से। इसीलिए इन 6 पिन को कहा जाता है PWM पिन। इसके लिए हमें एक सिंपल सा फंक्शन लिखना पड़ता है एनालॉग राइट, और इसके अंदर आपको दो आर्ग्यूमेंट लिखना पड़ता है। पहला आर्ग्यूमेंट रहता है पिन नंबर, और आपको ये पिन नंबर PWM पिन का ही लिखना है, 3, 5, 6, 9, 10, 11। इन 6 पिन में से आपको एक पिन नंबर यहाँ पर लिखना पड़ता है, और इसके बाद में आपको लिखना पड़ता है वैल्यू कि आप कौन से वैल्यू का एनालॉग आउटपुट उस पिन को देना चाहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर एनालॉग राइट फंक्शन की हेल्प से हम टोटल 256 वैल्यू तक एनालॉग आउटपुट दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 0 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक हम टोटल 256 वैल्यूज़ का आउटपुट PWM पिन से ले सकते हैं। इसका एग्जांपल देखने से पहले आपको एक चार्ट देखना पड़ेगा। अगर आपको ये चार्ट समझ में आ गया तो आप आर्डिनो की PWM पिन से कोई भी वैल्यू का एनालॉग आउटपुट ले सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे आर्डिनो की किसी PWM पिन से 0 वोल्ट का आउटपुट चाहिए, तो मैं लिखूंगा एनालॉग राइट 0। और अगर मुझे आर्डिनो की PWM पिन से 1.25 वोल्ट का एनालॉग आउटपुट चाहिए तो मैं लिखूंगा एनालॉग राइट 64। क्योंकि अगर मुझे 1.25 वोल्ट आउटपुट में चाहिए तो मुझे 25% ड्यूटी साइकिल लेना पड़ेगा, और 25% ड्यूटी साइकिल लेने की वजह से मुझे 255 का 25% लेना पड़ेगा, जो कि आता है 64। इसीलिए यहाँ पर मैंने एनालॉग राइट के अंदर लिखा 64। और इसी तरह से अगर मुझे 2.5 वोल्ट का आउटपुट चाहिए तो 50% ड्यूटी साइकिल के हिसाब से मैं लिखूँगा एनालॉग राइट 127। और अगर इसी तरह से मुझे 3.75 वोल्ट का एनालॉग आउटपुट चाहिए तो मैं 75% ड्यूटी साइकिल के हिसाब से लिखूंगा एनालॉग राइट 191।
क्योंकि 255 का 75% अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आता है 191। तो इस तरह से जब मैं एनालॉग राइट 191 लिखूंगा तो मुझे 3.75 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा। और अगर मैं टोटल 5 वोल्ट का एनालॉग आउटपुट PWM पिन पर लेना चाहता हूँ तो मुझे 100% ड्यूटी साइकिल के हिसाब से लिखना पड़ेगा एनालॉग राइट 255। अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लीजिए मुझे आर्डुइनो की पिन नंबर 3 से 1.25 वोल्ट का एनालॉग आउटपुट चाहिए, तो मैं लिखूंगा एनालॉग राइट 364। यहाँ पर 3 पिन नंबर है और 64 उसकी वैल्यू है। यहाँ पर हमें 1.25 वोल्ट आउटपुट में चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पर 64 लिखे। तो आपने देखा कि हम एक सिंगल फंक्शन का यूज़ करके आर्डुइनो की PWM पिन से एनालॉग आउटपुट ले सकते हैं। लेकिन इसमें आपको कुछ बातों का याद रखना पड़ेगा, और वो ये है कि जब आप आर्डुइनो की PWM पिन से आउटपुट लेते हो तो पिन नंबर 5 और 6 से आपको जो आउटपुट मिलता है उसकी फ्रीक्वेंसी रहती है 980 हर्ट्ज, और आर्डुइनो की जो पिन 3, 9, 10 और 11 रहती है इससे जो आपको आउटपुट मिलता है उसकी फ्रीक्वेंसी रहती है 490 हर्ट्ज। तो इस तरह से हमने देखा कि आर्डुइनो की PWM पिन से किस तरह से एनालॉग आउटपुट लिया जाता है एनालॉग राइट फंक्शन का यूज़ करके। फ्रेंड्स, आई होप कि इस ट्यूटोरियल में मैंने आर्डुइनो से एनालॉग आउटपुट लेने के लिए जिन दो मेथड के बारे में एक्सप्लेन किया हूँ आपको वो आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप इसी तरह से आर्डुइनो की प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, आर्डुइनो के बेसिक्स सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।